स्वामी सरस देव जी महाराज का प्रकटोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौशाला नगर स्थित श्री स्वामी हरिदास राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में राष्ट्रपति पुरस्कार श्री स्वामी श्रीराम शर्मा जी की अध्यक्षता में पुरातन संस्कृति की विरासत को संभालते हुए सवर्ण समर्पण आज रसीला की विधा को जीवंत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति पुरस्कार एवं वयोवृद्ध राम आचार्य स्वामी श्री राम शर्मा जी का अभिनंदन किया गया। शर्मा जी ने राज परंपरा की प्राचीन मर्यादा का उल्लेख करते हुए अनेक संत महापुरुषों एवं महानुभावों को राम लीला से प्रेरित होकर अपने कार्यों में कटिबद्ध होने के लिए प्रेरित होना बताया। साथ ही राज आचार्य स्वामी श्री मुंशी राम शर्मा जी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें भिंड जिले में कथा की ओर से जिसे मनोरथ यमराज ने उस लीला का आयोजन करवाया, जिससे व्यक्त किया गया कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। 11 महीने बाद ही उनको युगल पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम होने कृष्ण बलराम रखा और रासलीला के प्रति उनकी अटूट निष्ठा इस प्रकार से हुए प्रतिवर्ष रासलीला को आगे ले चलती है। इस भव्य समारोह में उपस्थित आचार्य श्री बद्रीश जी महाराज, राहुल अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, गोविंद सौरभ गौड़ शास्त्री, गौरव कृष्ण शास्त्री, शंकर शुक्ला, राम जनक शास्त्री, प्रकाश शास्त्री, मदन मोहन, अभिषेक मिश्रा, विकास शर्मा आदि उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। आज जो जो कार्यक्रम है इसी हरदास जी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में आज श्री ललित कुंज में पूज्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी हरदास पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी की के परम सानिध्य में ये आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्वामी सरसदेव जी महाराज जी स्वामी हरदास जी की परम्परा में चौथी पीढ़ी में आते हैं। आज उनका प्राकट्य महोत्सव 417वां मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम में आज रासाचार्य जो हमारे प्राचीन रास को लेके जन जन तक पहुंचाने वाले ऐसे रासाचार्यों का जो राष्ट्रपति पुरस्कृत हैं उनका आज श्री राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट ने उनका सम्मान किया गया। आज सम्मान की विशेष दृष्टि को देखते हुए जो कि आज हमारी परंपरा पर कुठाघात हो रहा है, जो विवाह शादी और जो पार्टियाँ जो होती हैं, जो जो असली नृत्य होता है, गानों फिल्मी गानों पर राधा कृष्ण के स्वरूप को बनाया जाता है, उसका भी आज घोर विरोध किया गया। और हम लोगों ने एक निवेदन किया है कि रासाचार मिलके एक ज्ञप्ति दें और मानिए इसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि हमारी संस्कृति को नुकसान ना पहुँच सके। ऐसे स्वामी हरदास जी राधा प्रसाद सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में निरंतर ऐसे कार्य हमेशा किए जाते हैं और करते हैं।